नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड के बिशुन बांध पंचायत अंतर्गत स्थित बिचली दाग गांव के आदिम जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा संचालित मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में अपनी मांगों को लेकर परहिया समाज के लोगों ने दिन शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय का घेराव किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र किंडू के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई। एक ओर जहां सरकार आदिम जनजाति के लोगों के लिए संवेदनशील है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारियों की कमियों की वजह से इन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले से संबंधित जानकारी देते हुए परहिया समाज के दो दर्जन से अधिक लोगों ने बताया कि बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत उनके गांव के 11 लोगों का नाम सिलेक्शन हुआ है, जिसके बाद डीसी लातेहार ने एक सप्ताह के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनिका वीरेंद्र किंडो से जियो टैग करके रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था, लेकिन वीडियो के द्वारा दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी जियो टैग की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके कारण प्रखंड प्रशासन के प्रति लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों ने बताया कि बिचली दाग गांव में टोटल 25 से 30 घर की बस्ती है, जहां पर सैकड़ों आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन गाँव में कई वर्षों पूर्व से पानी के लिए चापाकल या जल मीनार जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण गाँव के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर वर्षों पूर्व बने कुएं से पानी लाकर अपना गुजारा करने को विवश। दूसरी समस्या, गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं है। वही सबसे बड़ी समस्या पानी का है, क्योंकि गांव में पानी के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण यहां के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर वर्षों पूर्व बने कुएं के पानी लाकर अपना गुजारा करते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ के लोग आज भी सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं दूसरी ओर बिशुन बांध पंचायत के ही टेंगरा पत्थर टोला में राजमोहन परहिया का 2019 में कच्चा मकान गिर गया था, जिसके बाद से परिवार के 6 लोग 3 वर्षों से विद्यालय में रहने को विवश हैं। परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी कई बार पंचायत के मुखिया और प्रखंड प्रशासन को दी, लेकिन आज तक उन लोगों को रहने के लिए आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया, जिसे परिवार के लोगों में प्रखंड प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा था। मौके पर उपस्थित लोगों ने जिला प्रशासन व झारखंड सरकार से आदिम जनजातियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने का गुहार लगाया है। कायलन गिर भाई हमन के कोनो मिलत है न खाई तो का न खाई मिलत पानी पीने के लिए सामान नहीं है टंकी नहीं है मिलत कोनो न मिलत घर भी। आप लोग आदिम जनजाति में आते हैं? हां। घर कहां बोले? इसको घर गिर गया है मैंने 2019 में। स्कूल में हम रह रहे हैं 2019 से 2022 तक स्कूल में रह रहे हैं आप? हाँ। घर आपका नहीं है? घर नहीं है। हम लोग पाँच परिवार, 6 परिवार आप लोग रहते हैं स्कूल में? घर नहीं है, टंकी नहीं है, पानी का टंकी नहीं है, नहीं। मैंने आपको बिरसा आवास नहीं मिला है? नहीं। आप लोग कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए लगभग आज? 25 लोग पहुँचे। किसी को नहीं मिला है बिरसा आवास? और पानी का क्या समस्या है? चापाकल भी नहीं है? नहीं। घर कहाँ पे बोले? हम लोग की कमी हो गया है, वही चलते हम लोग घेरे हैं। क्या दिक्कत है आप लोग को? रोड नहीं है, नहीं घर है, और बहुत दिक्कत होता है हम लोग के आने जाने में। तो परहिया लोग के बिरसा आवास तो तुरंत मिलता है, आप लोग नहीं मिला है? कितना लोग को आवास नहीं मिला है? वहाँ होगा 25 लगभग होगा घर। तो कितना लोग उसमें मिला है 25 घर में? नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला है? मिला है, एका मिला के मिला है। अच्छा, वीरेंद्र के एको मिला है और बाकी बातें नहीं मिला है। पानी की समस्या आप लोग को है? हाँ, पानी की समस्या। इन लोग के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह बहुत ही लाभुक उपयोगी है, चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक। तो जहाँ जहाँ कमी रह गया है ना, वैसे वैसे जगहों में जाकर हम लोग देखेंगे। जैसे हम कल गए थे कौन सा गाँव के दरगम किनारे हैं जहाँ की पुलिया नहीं है, वहाँ गए, फिर ग्राम सभा करके देंगे, उसके बाद वहाँ भेज देंगे। सर देखिए, वी टाइम न्यूज़ के लिए मनिका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।